हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर लिमिटेड स्टडी जोन और रिलेशन एंड फंक्शन की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे जो जुड़ चुके हैं, टॉपिक डाल लीजिए। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर हम रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे। ओके, सो आई होप आपने हेडिंग बना ली होगी रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, आज हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन में, एक्चुअली ये जानने की कोशिश करना है कि किन परिस्थितियों में फंक्शन जो होता है आपका 1-1 होता है, ओके, और किन परिस्थितियों में 2-2 होता है। कुछ फैक्ट्स कह लीजिए, हम यहाँ पे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर मेनली फैक्ट्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम 1-1 फंक्शन के साथ कि 1-1 फंक्शन कब होते हैं। तो 1-1 फंक्शन को, जिनको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, तो समझिए 1-1 फंक्शन क्या होगा। इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑलवेज, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, मतलब कैसा इसका बिहेवियर है। इसका बिहेवियर अगर मोनोटॉनिक है ना, आप समझ रहे होंगे, मोनोटॉनिक है मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक ही आउटपुट मिलेगा, तो 101% यह कैसा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा। ओके, यस, अगर ये फंक्शन जो है आपका एफ एक्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैस एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये फंक्शन आपका जो हो जाएगा ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये आइदर इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का है। बट इन केस आपके पास में एफ डैस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो है, देन ये मैनी वन तब हो सकता है। मतलब एफ डैस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कि दो पॉइंट से चल करके फंक्शन जो है बराबर कंडीशन पे आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट सर्टेन जरूर मिलेगा जिसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अब ये बात तो ठीक है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है, बट आपकी जो नीड है वो ये देखिए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन पर दोनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही, तो ये 1-1 नहीं हो रहा है इस समय। ये क्या है, ये मैनी वन है। क्या है ये बच्चों, ये मैनी वन, बिकॉज दो इनपुट ए और बी पर आपको सेम आउटपुट मिल रहे हैं, सो देन इट इज़ मैनी वन फंक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स जो है ऑन टू फंक्शन को लेकर के, हम बात करेंगे कि ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शन तब बनता है कि अगर किसी फंक्शन का जो कोडोमेन होता है बी, ओके, उस रेंज ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाए। कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन इक्वल्स टू, मतलब यदि बी है अगर ये रेंज ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। ओके, सो वी कैन से व्हेन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट है एवरी ऑड डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, जो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास एफ से है आर टू आर में कोई फंक्शन दिया गया है और ये ऑड डिग्री फंक्शन है, तो ये पॉलीनोमियल फंक्शन होगा। इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया होता है, तो ये देखिए इस तरीके से जाता है, तो ये नीचे भी वाई की सारी वैल्यूज टच कर रहा है और ऊपर भी y की सारी वैल्यूज टच कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और इन इवन डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। ओके, हाँ जी भाई, देखिएगा ध्यान से, एन इवन डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन जो होगा ना तो वो 1-1 होगा ना तो ऑन टू होगा। ठीक है ना, ना ही ये 1-1 होगा ना वो ऑन टू होगा इवन डिग्री का, बिकॉज x की वैल्यूज के लिए वो एक्स की जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी ना उसमें वो क्या करेगा, फंक्शन एक्स की वैल्यूज़ में आपको दो इनपुट पे एक आउटपुट देगा। मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एक्स, जैसे आपके पास मैंने कहा इवन डिग्री का पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन देखो भाई कैसा है इवन डिग्री का पॉलीनोमियल फंक्शन। जैसे आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ओके, डिग्री इवन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है।
अब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा। तो दो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट दिख रहा है ना, तो सबसे पहली बात क्या हो गया, मैनी वन, ओके मैनी वन हो गया है। अब मैनी वन तो कर दी बात अपन ने, अब देखिए इस तरफ ये इंक्रीजिंग है, ओके इधर जाने पर इसकी वैल्यू जो हो रही है इधर पे, ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू क्या कर रही है, एक्स की वैल्यू वाई के साथ करस्पॉन्डिंग क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और इधर पे एक्स की वैल्यू जो है वाई की वैल्यू डिक्रीज़ करने पर एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर रही है। लो भाई साहब, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ठीक है इस तरफ तो इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना, एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करने पर वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, या उल्टे तरफ से अगर आओ आप तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, इधर से पीछे से आओगे ना, पीछे से आओगे आप तो पीछे तरफ से एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और डिक्रीज़ होने पर वाई की वैल्यू क्या करेगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर वाई की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, सॉरी हाँ मैं गलत बोल गया, इधर से जब आएंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, मतलब एक्स इंक्रीजेस और बट वाई डिक्रीजेस। तो ये क्या है भाई साहब, ये तो डिक्रीजिंग का निशान है, मतलब आधे में इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग है। तो इसलिए जो इवन पावर का फंक्शन होता है वो होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसके दोनों बिहेवियर देखते हैं, एक तरफ तो आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ आप एक्स की वैल्यू जो है बढ़ाते जा रहे हो तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, पास में आ रहे हो इधर से आप आ रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, बिकॉज नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड आ रहे हो, तो वाई की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ये जो फंक्शन है हमें ध्यान रखना है, तो ये जो फंक्शन है दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, एक चीज़ क्या होता है मैनी वन, कैसा होता है मैनी वन, ओके, और दूसरी बात मैनी वन तो होगा उसके बाद इन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा, मैनी वन होगा दूसरी बात इन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऑन टू, क्योंकि देखो भाई आपके पास सिचुएशन दी गई है रियल नंबर की, पूरा डोमेन आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसमें से केवल आप कुछ ही रीज़न को आप एज अ आउटपुट यूज़ कर पाओगे, ओके कुछ ही रीज़न को यूज़ कर पाओगे। तो आपने क्या क्या निकाला है इसमें, ये मैनी वन होता है मतलब वन वन तो होता नहीं है, ओके और साथ ही साथ कैसा होता है इन टू होता है, कैसा होता है इन टू होता है भाई, देखो अगर वन वन होता तो सिंगल फ्लो में इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता है ना, जो वन वन फंक्शन होते हैं वो एक फ्लो में या तो इंक्रीजिंग होते हैं वो डिक्रीजिंग होते हैं, बट ये मैनी वन फंक्शन है बिकॉज सिंगल फ्लो में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, डन। चलिए तो भाई ये हो गई बात, ही हमने कर लिया कवर, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है लाइक एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी, ये है अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन, थोड़ा सा एन यहाँ लगा लीजिए है ना, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी, और ए बिलोंग्स टू आर बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बहुत बढ़िया ठीक है ना, मतलब ए को ज़ीरो कर दोगे तो फिर तो कॉन्स्टेंट बच जाएगा, सही बात है। तो अगर n ऑड पावर है, यहाँ पे n कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो फंक्शन जो होगा वन वन एंड ऑन टू होगा, ये थोड़ा सा लर्निंग फैक्टर भाई साहब, जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन वन ऑन टू, आप बना सकते हो वैसे एग्जांपल से देख सकते हो आप, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपके पास ऑड पावर है तो ऑड पावर में आप ए एक्स प्लस बी ले लो, देखो भाई पावर वन है ना, आप ए एक्स क्यूब प्लस बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो फंक्शन होगा भाई बी है, तो शिफ्टिंग हो जाएगी और क्या भाई, ये पूरा का पूरा कैसा था, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के साथ बी आपने अटैच कर दिया, मतलब क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्टिंग होने से कोई फंक्शन के नेचर में इफ़ेक्ट तो नहीं आता ग्राफिकली है ना। तो ये थे हमारे आज के कुछ कंसेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन के, वन वन ऑन टू के, इनको प्रैक्टिस करिए, थोड़े से ही बताए हैं मगर अच्छे कंसेप्ट बताए हैं, ओके एक बार देख लो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और वन वन होगा, ओके ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मैनी वन हो जाएगा, ओके फिर अगर ऑड डिग्री का फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा, अगर इवन डिग्री का फंक्शन है तो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो वन वन होगा और ना तो ऑन टू होगा, ठीक है ना, ऑड डिग्री में तो आपने देख लिया था कि ऑड डिग्री में ऑन टू होगा, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना, कवर करेगा पूरा का पूरा। देन इसके बाद में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो
ये कैसा होगा, जैसे इस तरीके देखा आपने, इवन डिग्री का फंक्शन है, सो मैंने बताया था इज अ मैनी वन इनटू फंक्शन, हाँ मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक ना, सर्जेक्टिव नहीं होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन, वन वन नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यदि, तो समझिए कि क्या ये वन वन होगा, नहीं होगा, क्या ये ऑन टू होगा, नहीं होगा, तो ना ये वन वन होगा ना ये ऑन टू होगा, मतलब ये मैनी वन इनटू फंक्शन होगा, ओके यस। अगला क्वेश्चन है ए एक्स का कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, ए एक्स की पावर एन प्लस बी, ए एक्स की पावर एन प्लस बी, ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का होगा, आपके पास अगर ऑड पावर है तो ये जो फंक्शन होगा ये वन वन ऑन टू होगा, यस नोट कर लीजिएगा, अगर एन पावर है तो ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन ऑन टू, ऑड पावर होने पर, ऑड पावर होने पर वन वन ऑन टू। चलिए डन, तो ये रही आज की छोटी सी क्लास, फिर कभी करते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।